अस्सलाम वालेकुम। देखिए कैसे हैं आप लोग। देखिए मैं आज आलू गुंडा बनाने जा रही हूँ। इसके लिए चार पांच मैं बड़े आलू उबाल लिए हैं और एक खूब सारा मैं धनिया इसमें डालूंगी और दो बड़े साइज का प्याज और मैं खूब सारा प्याज और ये हरी मिर्ची भी, मेरी ज़्यादा तीखी नहीं है इसलिए मैं इतना सारा ले रखी हूँ। हरी मिर्ची डालेंगे, ये सौंफ, जीरा और काली मिर्च भून के डाल रखे, वो पीस रखे हैं, इसको डालेंगे। और लहसुन दरदरा कूट रखे हैं ये भी डाल दूंगी मैं। और नमक डालेंगे, और अब इसके लिए मैं बेसन बनाऊंगी। इसको मिक्स करके ऐसे रख लेंगे, फिर बेसन में लपेट के आलू गुंडा बनाएंगे। आलू टिक्की, आलू गुंडा, कहीं आलू गुंडा बोला जाता है, कहीं आलू टिक्की। बहुत गर्म है दोस्तों, देखिए हाथ मेरा जल रहा है। बहुत टेस्टी लगता है ऐसे। ये उसके घोल के लिए मैं 200 ग्राम बेसन ले रखी हूँ और ये एक चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच इसमें गरम मसाला और एक चम्मच धनिया डाल देंगे। जरा सा एक चुटकी बस सोडा खाने वाला, और इसमें लाल मिर्ची डाल दूंगी एक चम्मच बस, और कुछ नहीं डालूंगी। और नमक डाल लेंगे एक चम्मच और इसका घोल तैयार कर लेंगे, इसका गाढ़ा ही घोल तैयार करेंगे। और ये खाने में, बनाने में बहुत इजी है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगता है। देखिए वैसे अच्छी तरह इसको फेंट लेंगे, एक ही तरफ मैं फेंटूंगी कर करके, ऐसे ऐसे नहीं घुमाएंगे, बस एक साइड से फेंटेंगे। बस इतना ही गाढ़ा रहेगा, इससे थोड़ा समय और पानी डालूंगी बस। और ये आलू के चोखे का मैं गोल गोल टिक्की बना लूंगी और इसमें डीप कर करके और फ्राई कर देंगे। देखिए अब मेरा गोल तैयार हो गया है। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए रखते रही, उसके बाद फ्राई करूंगी। मेरा तेल अब गर्म हो चुका है और इसमें मैं बेसन अब डीप कर करके डाल दूंगी। ऐसे भी टिक्की बहुत टेस्टी लगता है। ऐसे मैं सारा डाल दूंगी। गोल्डन फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना टेस्टी, लाइट लाइट गोल्डन बन रहा है और खाने में भी दोस्तों बहुत टेस्टी लगता है। ये सारा फ्राई कर लेंगे हम, फिर दिखाएंगे आपको। देखिए कितना टेस्टी पकौड़े बन रहे हैं, ये आलू गुंडा इसको बोलते हैं। फ्राई कर लूंगी और बहुत टेस्टी और बहुत सॉफ्ट बनता है इसे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए आलू चाट में बनाने जा रही हूँ, हमारे तरफ आलू कचालू बोलते हैं इसको। और इसको मैं ऐसे पतला पतला काट लूंगी। इसमें
इमली का पानी और सब कुछ बहुत टेस्टी लगता है ऐसे ऊपर से ही सब कुछ डाल के लोग खाते हैं। इसे पतला पतला काट के रख लेंगे। और इस पे ऊपर से आलू भुजिया डालेंगे, इमली का पानी डालेंगे, लेकिन अभी नहीं डालेंगे खाने से, जस्ट पहले डालेंगे। अभी इसको काट के इसमें भुना जीरा उरा डाल के रख देंगे। छोटे पे मैं बचपन में बहुत खाती थी आलू कचालू, और बना बना के खाती थी मैं बहुत। और ये देखिए भुना जीरा सौंफ ये सब का मैं बना रखी हूँ, ये भी डाल दूंगी इसमें। और इसमें लाल मिर्ची जाएगी, लाल मिर्ची डाल देंगे और नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार, और इमली का पानी और आलू भुजिया जब खाएंगे हम लोग तब डालेंगे उस टाइम। अभी इफ्तार के टाइम में हम लोग खाएंगे, अभी बहुत खाएंगे। देखिए अब मैं आलू चाट मेरा कितना टेस्टी बन रहा है, इमली का पानी डाल रही हूँ देखिए। इमली का पानी दिया और ऊपर से ये आलू भुजिया, एक बार आप लोग भी बनाइए बहुत टेस्टी लगता है ऐसे, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।